मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस और आज टेट हो गया आपको। आज 29 हो गया। ठीक है, वैसे आई होप कि आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सबको अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम की। तो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को अटेंड करना। आप लोग कमेंट में कमेंट्स किया कीजिए बेटा। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, आपने अटेंडेंस बनाई कीजिए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि आपके व्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते, लेकिन 15-20 जाते हैं। लेकिन व्यूज जाने के बाद भी कमेंट नहीं आता है, तो कमेंट आना चाहिए। ओके, कमेंट आना चाहिए आपके, तो आप कमेंट किया कीजिए बेटा। कमेंट कीजिएगा तो फिर मुझे आइडिया लगेगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोग चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारे लोग का नेक्स्ट चैप्टर है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट जो है वो धरती पे हमारी धरती का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्लांट जो है हमारी धरती का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमें बहुत कुछ देता है। अगर गिना जाए तो इसके लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है। ओके, दे प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। ये एक बेहतरीन रोल जो होता है, ठीक है, प्ले करता है हम सभी के लाइफ में। ये हमारे लाइफ में, एनिमल्स के लाइफ में, वैसे तो हम लोग सब एनिमल्स में ही आते हैं, एनिमल्स किंगडम में ही आते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स किंगडम के लिए एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये एक्वेटिक्स एनिमल्स के लिए भी एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स प्ले देयर रोल्स ऑन एवरी डे बेसिस इन आवर लाइफ। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, डिफरेंट तरीकों से ये हमारी मदद करता है। ओके, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारी चीज़ हम लोग प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। इवन डेली हम लोग प्लांट्स का यूज करते ही है। अगर कोई कह दे कि मैं भूखा रहता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, तो मैं कैसे प्लांट्स का यूज कर सकता हूँ? तो वो जो सांस लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए, वो प्लांट से ही आता है। ठीक है, वो प्लांट से ही आता है। तो ऐसे में नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग प्लांट्स का यूज नहीं करते। हम लोग डेली 24 आवर्स, ठीक है, जब तक हम लोग की जिंदगी रहती है, प्लांट्स का हम सभी में एक बेहतरीन, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का वो होता है फूड, हम सभी के लिए, ठीक है। फूड कहिए, ऑक्सीजन कहिए, ये सब जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हम सभी के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू अस एंड ऑल्सो टू एनिमल्स, ये हमें भी फूड प्रोवाइड करता है और एनिमल्स को भी। कुछ ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं जो इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इसको डायरेक्टली यूज करते हैं और कुछ इसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होता है प्रिपेयर फूड प्रिपेयर करता है एक प्रोसेस से, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग जो है ऑक्सीजन प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके, हम लोग जो है ऑक्सीजन को प्लांट से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर दैट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर ब्रीदिंग। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर दैट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर ब्रीदिंग। प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी को लेकर हम लोग जिंदा रहते हैं। प्लांट्स लाइक कॉटन प्रोवाइड अस क्लॉथ्स टू वियर। प्लांट्स जो होता है, जो कॉटन प्लांट होता है, वो हम लोग क्लॉथ्स प्रोवाइड करता है, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। मैनी प्लांट्स सच एज तुलसी एलोवेरा एक्सेट्रा आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि एलोवेरा, तुलसी, ठीक है, ये सब जो होते हैं इन सभी का यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन सभी का यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में प्लांट्स का। हमारे लाइफ में प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फाइन, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लिप्स बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। दिस दस दे रेगुलेट द वाटर साइकिल, इस प्रकार वो वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं। देखिए, सभी को पानी की जरूरत होती है, जितने भी जीव है, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग है, सभी को पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी जो होता है वो हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे शरीर में जितने पानी की जरूरत है उतना ही लेते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जितने पानी की जरूरत है उतना ही लेते हैं, ऐसा नहीं है उससे ज्यादा लेते हैं। प्लांट्स भी ठीक इसी प्रकार करते हैं। देखिए, तो अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि प्लांट्स रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसका एक रोल होता है। ये रोल प्ले करने के बाद ये प्लांट्स जो है, ठीक है, ये रोल प्ले करने के बाद इस प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, ठीक है, इस प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है उसको
लीफ के थ्रू, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, सीड के थ्रू जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम सभी का रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है, ये हम सभी का रिवीजन क्लास चल रहा है, तो इसको ध्यान देंगे। चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है, अभी चैप्टर 1 पे हूँ, ये रिवीजन चल रहा है। जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो फिर से अटेंड कीजिए। और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बता दूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी आपके मैच करवा दूंगा, फाइन। और लेकिन आप लोग इन सभी को अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए, ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। Plants grow from young seedlings. The seedlings gradually grow into a big plant. जो seedling होता है वो धीरे धीरे एक new plant में बड़ा होने लगता है, change होने लगता है. When these plants grow old, they produce new plants and ultimately die. जैसे ये plant बड़ा होना शुरू होता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये खुद खत्म हो जाता है या फिर इसको काट के भी खत्म किया जा सकता है। द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक न्यू प्लांट लाने के क्रिया को, ठीक है, एक न्यू प्लांट लाने के काम को, ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक नया जो प्लांट आता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम से होते हैं, ठीक है, कुछ लीव से होते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। Seeds are present inside the fruit. Seeds जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, देखेंगे आप लोग, ठीक है, जैसे भी आप किसी फल को काटते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई सीड मिलता है। जो जिसमें सीड नहीं मिलता है उसके रिप्रोडक्शन का तरीका अलग होता है। जैसे कि आप शुगर कैन को देखेंगे, शुगर कैन एक स्टीम है, इसमें कोई सीड नहीं निकलता है, ठीक है, इसमें कोई बीज नहीं निकलता है। तो शुगर कैन के रिप्रोडक्शन के लिए, शुगर कैन की खेती के लिए इसमें शुगर कैन ही लगाया जाता है, ठीक है, इसके कोई सीड नहीं होते हैं, इसलिए ये सीड के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके रिप्रोडक्शन के लिए शुगर कैन ही लगाया जाता है। जैसे आप ले लेंगे पोटैटो, तो पोटैटो जो है वो एक स्टीम है, पोटैटो एक स्टीम है, पोटैटो कोई फ्रूट नहीं है, ठीक है, कोई फल नहीं है, पोटैटो पोटैटो एक स्टीम है। और इसका क्या प्रोसेस होता है कि इसके खेती के लिए इसी को रोपा जाता है, ठीक है। आप पोटैटो को देखेंगे कि पोटैटो में आपको आइज नजर आएगा, ठीक है, जो जिसको हम लोग बड कहते हैं, कली जो है, ठीक है, वो आइज आपको नजर आएगा। उस आइज पोटैटो रोपते समय हम लोग उसको चार भाग में बांटते हैं, ठीक है, चार भाग में उसको काटते हैं, उसके चारों पार्ट में एटलीस्ट एक तो होता ही है, ठीक है, उनके चारों पार्ट्स में से किसी चारों पार्ट में एटलीस्ट एक आइज तो होता ही है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही होते हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन सीड से ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टीम से होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो लीव से होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। Some fruits reproduce one seed and one produce more than one. एक सीड जो होता है
वो एक प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए काफी है, एक एक सीड से एक प्लांट निकलता है, लेकिन उसी प्लांट में फिर ढेर सारे फल होते हैं और उस ढेर सारे फल में ढेर सारे सीड्स होते हैं। तो एक सीड से ढेर सारा सीड्स इस प्रकार बनाया जाता है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, व्हाट हैपेंड टू देम, लेकिन ये सब के सब जो है यूज प्लांट नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लो कि वेट की ही खेती करते हैं गेहूं की, इसमें सब सीड आ जाता है, सीड आने के बाद जो होते हैं, ठीक है, सीड के बाद इन सीड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको पिसवाया जाता है, इसको आटा रोटी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी को उठा कर रख देते हैं कि फिर से इसको बाग करेंगे, ठीक है, फिर से इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ अमाउंट में इसको रखा जाता है, ठीक है, और इसी से फिर आगे की खेती कराई जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट में इसको जो है नहीं रखा जाता है, मतलब एक बड़े अमाउंट में इसको पिसवा कर खाया जाता है। तो ये इसके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, कोई भी जो मैंने करवाया, जो मैं करवा रखा हूँ, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन से मैं करवा रखा हूँ, वो उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। आप अगर किताब की अच्छे से रीडिंग करते हैं तो सबका सब क्वेश्चन आंसर, सबका सब ऑब्जेक्टिव उसी में से आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग आगे रीड करके आएंगे, ओके, बाकी आप लोग आगे रीड करके आएंगे, और इसको आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।